हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अजय। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मिन्स्क में, जो कि मिन्स्क की बहुत अच्छी बेलारूस की बहुत अच्छी सिटी है। और यहाँ देखो सुबह का मौसम है, और मैं यहाँ पर एक अपार्टमेंट लिया है जिसमें मैं, मेरे चाचा जी और मेरा छोटा भाई दीपक और एक फ्रेंड है हर्षित, हर्षित जुनेजा, हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और यहाँ पर वैसे तो अपार्टमेंट में मतलब एक बंदा एक ही अपार्टमेंट में रह सकता है, एक रूम होता है। यहाँ का रूल है 15 स्क्वायर फीट में एक बंदे को अलॉटमेंट मिलता है। अगर वो 60 है तो उसमें 4 बंदे रह सकते हैं। तो आज सुबह का टाइम है, तो मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं आपको सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए एंट्री है, यहाँ से एंट्री हुई। एंट्री करते ही सभी लोग अपने यहाँ पर, ये है कि चप्पल वगैरह उतार करके अपने शूज़ वगैरह और अपने कोट वगैरह को टांग देते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर माना जाता है कि कोट वगैरह जो है वो बुरी चीज़ होती है, तो इसलिए पहले ही निकाल दिया जाता है। उसके बाद जैसे एंट्री करी, ये हमारी किचन है दोस्तों, देखो कितनी, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, ये वॉश बेसिन है, साफ़ सुथरा एकदम। और ये हमारा सामान रखने का, सारा सामान हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुली वगैरह जगह दी हुई है, ये देखिए सब कुछ। और यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमें डिश वॉशर भी इसके अंदर लगा हुआ मिलता है। आप इसके अंदर बर्तन रख दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, तो बर्तन अपने आप धो करके निकल जाएंगे। और यहाँ पर डस्टबिन वगैरह आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद सर, अगर हम लोग जाएँ, ये हमारा वॉशरूम देखो कितना एंटीक, कितने प्यारा बनाया हुआ है। इसके अंदर देखो वॉशिंग मशीन, मैंने यूज़ करने के लिए, मैंने अपने कपड़े धोने के लिए मशीन अभी स्टार्ट की है। इसमें क्या होता है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के कपड़े हैं हमारे, उस पर सेट करके और प्ले का बटन कर दो तो ये स्टार्ट हो जाता है, टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम खड़े होकर नहा सकते हैं। ये वॉशरूम पॉट वगैरह, वॉश बेसिन और शीशा। यहाँ पर देखो दोस्तों टाइमर भी है, हम इसको स्टार्ट करके टाइमर भी देख सकते हैं कि कितना क्या टाइम हो चुका है और टेम्परेचर वगैरह। ये हमारा बेडरूम है देखो, ये देखो क्या शानदार बेडरूम है। और कमरे से बाहर अगर देखोगे तो क्या मस्त नज़ारा, क्या सूरज उगता हुआ, बिल्डिंग्स वगैरह, लोग टहल रहे हैं अपने अपने। ये देखिए इसको ओपन किया मैंने, ये कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है रूम के अंदर। आप अपने सामान रख सकते हो यहाँ पे, कपड़े वगैरह कुछ भी, शॉल या बेडशीट्स या कंबल वगैरह कुछ भी, मतलब देखो कितना स्पेस दिया हुआ है, डबल साइडेड है। हैंगर, आपको हैंगर भी दिए जा रहे हैं कि आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हो यहाँ पे, हैंग कर सकते हो यहाँ आप। ये देखो ये ओवन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर सामान रखने का स्टोरेज बहुत अच्छा दिया हुआ है। और सबसे बढ़िया देखो यहाँ पर फ्रिज भी इनबिल्ट किया हुआ है, कि ये देखिए पता नहीं चलेगा, बिल्कुल कोने कॉर्नर में लगाया हुआ है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है रखा हुआ भी। ये ओवन है हमारा, इसको हम सेटअप करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे अंकल जी बैठे हुए हैं, ये देखो भाई मेरा लैपटॉप पे काम कर रहा है, ये हर्षित जो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बालकनी है, हम अपने कपड़े वगैरह यहाँ सुखा सकते हैं। और यहाँ से बाहर देखिए क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों, आप कहीं से कहीं तक भी देखिए। और देखो रात को धूप, रात को यहाँ पर बर्फ़ डली है, देखो गाड़ियों पर अभी तक जमी हुई है देखो दोस्तों, क्योंकि अब कुछ दिनों में बर्फ़ गिरने वाली है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। और यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में, नियर अबाउट इस मंथ के लास्ट में, -4, -5, -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली है। और बहुत मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी, फिर मिलते हैं, फिर आपको एक नया मौसम दिखाऊंगा यहाँ पर कि क्या यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सड़कें, यहाँ की मार्केट, सब कुछ मैं धीरे धीरे आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय।